हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे 11th केमिस्ट्री का बैच शुरू किया हुआ है, सही है, जहां पर कुछ लेसन आप लोग को राहुल सर ने पढ़ाए हैं और कुछ लेसन आप लोग को मैं भी पढ़ा रहा हूँ। सही बात है, 12th केमिस्ट्री पूरी की पूरी मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके भी लेक्चर्स बच्चों आप लोग को रेगुलरली मिल रहे होंगे। तो अगर आपके कोई भाई बहन होंगे 12th स्टैंडर्ड में, कोई कलीग होगा, कोई फ्रेंड होगा, तो उसे ज़रूर से उन वीडियोज़ को शेयर कर देना। ठीक है, साथ ही साथ हमारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आल्सो अवेलेबल इन अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। ठीक है, तो वो भी जाकर चेक कीजिए। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, मैथ्स की प्लेलिस्ट है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी कंप्लीट हैं या फिर कुछ कुछ कंप्लीट हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे, पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को मिलते रहेंगे। सही बात है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया बच्चों, लास्ट कुछ लेक्चर से हमने शुरू किया हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही मज़ेदार लेसन जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर किसी भी बच्चे ने एक भी लेक्चर मिस कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, वापस जाओ उन लेक्चर्स को देखो पहले, उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के ऊपर जंप करना। ठीक है, मैंने बच्चों आप लोग को आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं ये सब पढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, मैंने कई सारी चीज़ें आप लोग को समझाई हैं, आयोनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है, लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा है, बहुत ही अलग अलग से टॉपिक्स हैं, पर मैंने आपको हर एक चीज़ एकदम ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। सही है, और वही चीजें बच्चों आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मल चार्ज और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को ऑक्टेट रूल देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां पर ऑक्टेट रूल के हिसाब से मैंने आपको समझाया था कि जो कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो भैया स्टेबल है, वो अच्छा कंपाउंड है, बट देयर आर सम लिमिटेशन ऑल्सो। ऑक्टेट रूल्स के कई सारे लिमिटेशंस भी हैं, तो उसे हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उससे भी पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज आखिरकार किसी भी कंपाउंड में किस तरीके से लगता है, किस तरीके से अप्लाई करता है, उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल लेके फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सही है, सो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो लाइक नहीं की तो अभी से लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है लेक्चर बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में आप लोग को। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों चालू करते हैं लेक्चर। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है ऊपर वाली, और नीचे वाला जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो हमारे JR ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम पेज की है, तो इसको भी फॉलो कर लो। यहाँ पर आप लोग को कई सारे अपडेट्स मिलते हैं, बैक एंड में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती हैं। तो हमसे जुड़े रहो, हर तरीके से जुड़े रहो, ताकि सही वीडियो सही समय पर आपके पास पहुँच पाए और आप उसका फ़ायदा लेकर अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। सही है, ठीक है। तो चलो बच्चों चालू करते हैं आज की इस वीडियो को, चलो आ जाओ बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमें स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक फॉर्मल चार्ज से। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड सिखाया था और मैंने आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बताया था कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, लेविस ने कैसे उसको असाइन किया था। नहीं देखा है तो देखेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता ना, तो शायद आप ये सारी चीजें नहीं समझ पाओगे कि सर आखिरकार करा क्या रहे हैं। सही है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक बार आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, मैं थोड़ा बहुत आपको बता भी दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों फॉर्मल चार्ज की। आखिरकार फॉर्मल चार्ज है क्या? देखो, कभी भी कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। भैया जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है ना, दो या दो से ज्यादा एटम जुड़कर ही एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल एग्जाम्पल ले लो, NaCl है अपना, BF3 है, ठीक है, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूल्स के। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग एटम से जुड़कर बने हुए हैं। अब अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की बात करोगे, तो वो एटम जब बॉन्ड बना रहा है दूसरे एटम के साथ, तो उसके ऊपर कभी कभी ना कुछ चार्ज लग जाते हैं, समझ रहे हो? कभी वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, कभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में ना उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कभी कभी चार्जेस आ जाते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। सही बात है ना, दैट चार्ज इज नथिंग बट अवर फॉर्मल चार्ज। समझ में आई बात? जैसे मान लो कोई भी आपका कंपाउंड है, वो क्या कर रहा है, कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहा है, दूसरे एटम को दे रहा है, बोलता भाई ये ले एटम, ये ले इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये ले इलेक्ट्रॉन, और आजा हम दोनों एटम मिलकर एक अच्छा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं और दोनों एकदम सेटल रहेंगे, सुखी सुखी रहेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो
इसी चीज को बच्चों जो चार्ज लग रहे हैं ना स्पेसिफिक एटम के ऊपर, दैट चार्ज इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। ठीक है, आप लोग कभी कभी देखे रहोगे एक चीज, पहले ये डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मान लो आपने कुछ ऐसा कंपाउंड देखा, जैसे मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, मान लो कभी आपने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल देखा, ठीक है, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल देखा। इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में आपका ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये हमेशा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, जिसके वजह से इसके ऊपर आता है, मतलब ये इससे कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो। तो ऐसे कई अलग अलग चार्जेस आपको देखने के लिए मिलते हैं जब आप अलग अलग कंपाउंड ड्रॉ करोगे। ये तो छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, समझ रहे हो। सो दैट चार्ज इज नथिंग बट अवर फॉर्मर चार्ज, और इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी सीखेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन सुनो, जो अभी मैंने बताया वही चीज आपकी डेफिनेशन भी कह रही है। क्या डेफिनेशन बच्चों, देखो, अ फॉर्मल, एक सेकेंड भाई, अ फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है, फॉर्मल चार्ज आपके एटम पे हो सकता है, और ये एटम किसके अंदर है, ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, मतलब आपका एक एटम या तो मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है या फिर आयनिक स्टेट में हो सकता है। तो आपका फॉर्मल चार्ज हमेशा किसके ऊपर होगा बच्चों, एटम के ऊपर ही होगा, कभी भी पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं लगता। कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ आपने देखा होगा पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस वन चार्ज लगा हुआ है, पर वो चार्ज किसी ना किसी एटम से आया हुआ है, किसी ना किसी एक स्पेसिफिक एटम से बिलोंग करता है, सही बात है, ठीक है। सो द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड एज, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इज डिफाइंड एज द चार्ज असाइन टू अ एटम इन अ मॉलिक्यूल। आपके आपका जो चार्ज है वो किसी एटम को क्या किया गया है बच्चों, असाइन किया गया है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस डेफिनेशन। सो इट इज असाइन टू अ एटम इन अ मॉलिक्यूल assuming that all the electron are bonded equally share, जितने भी electrons bond हो रहे हैं ना, जितने भी electrons bond form कर रहे हैं ना, वो हमेशा equally share हो रहे हैं, ऐसा हम लोग assume करते हैं। यहाँ पे electronegativity वाला खेल नहीं खेलेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो equally share हो रहे हैं या नहीं, उस condition में क्या उस atom के ऊपर charge आ रहा है या नहीं आ रहा है, that way वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पर समझते हैं। बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, वहां पर भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पर आई होप आपको डेफिनेशन मैंने अच्छे से समझाई है, सही है। डेफिनेशन का मतलब सिंपल सा है, नहीं समझ में आया एक बार वापस पढ़ लो। देखो डेफिनेशन का मतलब, आपकी डेफिनेशन ये कह रही है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन एटम्स के चार्ज को, उन एटम्स के स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं। जैसे मान लो NaCl, तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये तो बड़ा ब्रॉड एग्जांपल हो गया। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि एक आपका एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है बाजू वाले को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने डोनेट किया। तो ये जो स्पेसिफिक चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर, जैसे मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, दिस स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन एटम इज नोन एज फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। समझ में आ रही है बात। अगर अभी भी नहीं समझा है, फॉर इन केस कोई बच्चा अगर ऐसा होगा जिसको अभी भी नहीं समझा होगा, तो मैं जब तुम लोगों को सॉल्व करवाऊंगा ना एग्जाम्पल्स, और बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा तब तुम लोग आराम से समझ जाएगा। उसके पहले ये डेफिनेशन को आप लोग अपनी बुक में लिखेंगे और इसे नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। जो बच्चा इसको नोट डाउन नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा पहली बार। चलो बात शुरू होगी, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे फॉर्मूला के साथ। अब आपको एक मैं छोटा सा फॉर्मूला दूंगा, वैसे छोटा सा तो नहीं है, काफी बड़ा फॉर्मूला है, पर इस ये फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपके अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद आप कोई भी मॉलिक्यूल का चार्ज निकाल पाओगे। क्या कौन सा फॉर्मूला है बता दो सर। फॉर्मूला ये है बच्चों, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, इसकी बात हो रही है बच्चों, हमेशा एटम की बात होगी, ठीक है, एटम की बात होगी, एटम के चार्ज की बात होगी। तो किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज आप कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है बच्चों, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे भाई क्या हो गया मेरी स्पेलिंग को, इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम, ऑफ फ्री एटम माइनस
नंबर ऑफ लोन पेयर, आप कह सकते हो नंबर ऑफ लोन पेयर, और आप लिख सकते हो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. समझाऊंगा किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है समझाऊंगा. माइनस, माइनस वापस माइनस करना है, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ किसका, हाफ, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. अब इसका क्या मतलब है, देखो ये है आपका फॉर्मूला. आई नो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर आप फॉर्मूला एक बार देख लोगे ना तो आपको एकदम आसान लगेगा, आप लोग समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि फॉर्मूला क्या कहना चाहता है. क्या कहना चाहते हो भाई, जरा हमको ढंग से बताओ. सुनो ध्यान से, क्या सपोज दैट आई हैव अ कंपाउंड HCl. सपोज दैट बच्चों मेरे पास एक कंपाउंड है H और Cl. ठीक है, अब आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, आई गेस आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप ये लेसन पढ़ोगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए भैया कंपाउंड के बारे में. अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों, 17. सही बात है, 17 होता है. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बच्चों आपका 2, 8 और 7. मतलब जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है. बढ़िया, एकदम बढ़िया बात. और इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है बच्चों, वैलेंसी होती है 1, बिकॉज इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो करके स्टेबल हो जाएगा. अब अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है. तो मान लो, सपोज दैट 7 इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ व्हाइट कलर से क्लोरीन के, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. और वहीं आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बना रहा हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, ये चलो दूसरा कलर लेते, सेम सेम हो जाएगा. फिर आप लोग बोलोगे सर कहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से किसका है, हमको ज़रा समझाओ. ठीक है, तो देखो ये जो व्हाइट कलर के मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करते हैं बच्चों, वो क्लोरीन को बिलोंग करते हैं. सही बात है. ये जो एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है ऑरेंज कलर का, दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू हाइड्रोजन. तो मतलब आपका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है और आपका ये क्लोरीन कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन देता है. अब इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बिल्कुल बनता है. आपका क्लोरीन हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक बॉन्ड देगा, ये भी क्या करेगा, एक बॉन्ड शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इसका भी डुप्लेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा. सही बात है. पर अब मुझे क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है. मान लो मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है किसका, क्लोरीन का. मुझे ये देखना है कि यार क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज है क्या, इस कंपाउंड में क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज है, देखते चलो आ जाओ. तो मैं यूज करूंगा बच्चों ये वाला फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में जो मैं ये फ्री एटम की बात कर रहा हूं, फ्री एटम मतलब क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल एटम प्रेजेंट होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन, जो खाली इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं. सही बात है. अगर यहां पे देखो तो बॉन्डिंग कौन करेगा, ये सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही करेगा. तो अगर एक फ्री क्लोरीन की बात करूं, एक फ्री आजाद घूमता हुआ क्लोरीन की बात करूं, तो उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 7. उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम. फ्री एटम मतलब खाली एटम जो बॉन्डेड ना हो. अकॉर्डिंग टू दिस क्लोरीन का ये नंबर क्या है, अगर मैं निकाल रहा हूं फॉर्मल चार्ज, तो क्लोरीन का ये नंबर क्या है, ये नंबर है 7. बिल्कुल सही, 7 लिख दिया, 7 लिख दिया, कुछ दिक्कत नहीं है. 7 से माइनस करना है किसको, 7 से माइनस करना है बच्चों नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ, नंबर ऑफ लोन पेयर. अब हम लोग बात कर रहे, देखो ये तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका फ्री क्लोरीन कितना है, पर इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे ना, ये दोनों हम लोग बात करेंगे आपके मॉलिक्यूल के अंदर के क्लोरीन की, मॉलिक्यूल के अंदर के क्लोरीन की. समझ में आ रही बात. अब यहां पर आप देखो तो आप यूज कर सकते हो लोन पेयर भी यूज कर सकते हो ये वर्ड, या फिर आप यूज कर सकते हो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. अब अगर इस क्लोरीन को देखो तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं. सही है, इसी की वजह से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. मतलब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे. कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मतलब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बचे हैं वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं. इसी को आप कह सकते हो लोन पेयर. ये भी दो लोग, ये भी एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है. लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक लोन पेयर में. तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉन बॉन्डेड है.
तो मतलब इसको माइनस करेंगे किससे बच्चों, 6 से, ठीक है। इसको आप माइनस करोगे किससे, 6 से, बात समझ में आई। माइनस, अब आगे फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ, किसका हाफ है, यहां पे लगा दो हाफ, इसको मिटाने दो रुको, हाफ ऑफ किसका हाफ बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको हम लोग, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहां पर, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसका और एक इसका, ये दोनों क्या है बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों, दो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों, दो। अब बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, तो 2, 1 जा 2, यहां पे आया 1, 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, एक सेकेंड, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, यस। तो यहां पे चार्ज कितना, एक्चुअली एक सेकेंड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यही है, आई एम सो सॉरी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप दोनों काउंट नहीं करोगे, आप सिर्फ एक ही को काउंट करोगे, एक, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली बॉन्ड कर रहा है, हम लोग सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहे थे, मैं भूल गया था, माय बैड, हम लोग सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्लोरीन, तो हम लोग सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा है, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एक, सही है, यह आएगा 1, ये 1 बाय हाफ ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस करो, इसको सॉल्व करो, 7 माइनस 6 माइनस 1 बाय 2, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड मतलब ऊपर से मल्टीप्लाई, 14 माइनस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा आंसर, 8, अरे यार आंसर तो अलग आ रहा है, एक्चुअल में इसका आंसर आना चाहिए बच्चों 1, या फिर आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि आपका जो फॉर्मल चार्ज है वो हमेशा 1, 0 या फिर माइनस 1 ही आता है, ठीक है, 1, 0 या फिर माइनस 1 ही आता है, सही बात है, कुछ दिक्कत हो गई आई गेस, 7 माइनस 6 1 होगा, 1 माइनस, हाँ सही तो है, सही तो है, यहाँ पे 1 रहेगा ना, तो सही तो है भाई, यहाँ पे 2 आएगा, गलती हो गई, गलती, माफ़ करे बच्चों, माफ़ करे, सही है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 कटा, 6 माइनस 1 आपका कितना बचेगा, 7 माइनस 6 कर दो 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैथमेटिकल मिस्टेक हो गया, मैथ्स का टीचर नहीं हो ना बच्चों, हो जाता है कभी, सही है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका यहाँ पे H था, तो मतलब इस कंडीशन में आपके Cl के ऊपर कितने चार्ज हैं, Cl के ऊपर 0 चार्ज है, बिकॉज यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या है, बैलेंस्ड है, समझ रहे हो, इसीलिए हम लोग HCl में कभी ऐसा चार्ज लिखते नहीं, जब आपका HCl अलग होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात ही नहीं कर रहे ना हम लोग, मैंने आपको पहले ही समझाया था, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड इक्वली होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, बॉन्डेड इक्वली होना चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो, हो जाता है कभी कभी गलती, पहले कैलकुलेशन में गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, चलो वापस देख लो, अगर नहीं समझा तो वापस देख लो, देखो आपका एक H है, एक आपका Cl, ठीक है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास खुद के हैं 7 इलेक्ट्रॉन, सो हियर इज द 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ गई, ये आपका कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड। अब मुझे क्या करना है, क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको भी बताया क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फ्री एटम, फ्री एटम जो है वही होगा, फ्री एटम क्या है, क्लोरीन अगर फ्री एटम होगा तो इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, दिस इज द 7, फिर माइनस करना है बच्चों आपको किससे, नंबर ऑफ लोन पेयर, जो खाली बचे हुए, खाली, अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल की, देखो मैंने यहाँ पे बनाया, इन दोनों में हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग फ्री एटम की बात करेंगे, सही है। तो इस मॉलिक्यूल की बात करें, कितने लोन पेयर है या फिर कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अनबॉन्डेड कितने बच्चों, 1, 2, 3 और 3, 3 6, मतलब यहाँ पे 6 होंगे, सही बात है, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ये 1 और ये 2, तो माइनस 1/2 और यहाँ पे आ गया आपका 2, सही बात है, ठीक है, सही बात है, माइनस कर दो 6, ये आ जाएगा 1, तो बन जाएगा आपका 7 माइनस 6 माइनस 1, 7 में 6 गया 1 माइनस 1, तो बचा आपका 0, समझ में बात, तो इस कंडीशन में आपके क्लोरीन पे कितने चार्ज है बच्चों, 0 चार्ज, ठीक है, क्लोरीन पे कितने चार्ज है आपके, 0 चार्ज, समझ में बात, समझ में आई बात, क्लियर है, ये आप क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये फॉर्मूला आप जरा ध्यान में रखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम, फ्री एटम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जहां पर
आपका जो एटम है वो अगर बॉन्डेड ना होता तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते, दैट वी हैव टू मेंशन हियर। उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अब हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो ये दीज आर द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, आप वो लिखेंगे। एंड हाफ ऑफ, ये आपको ध्यान में, ये हाफ जरूर लगाना, भूलना नहीं, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, सही बात है। तो दो इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गया, सॉल्व करोगे आपको ऐसा कुछ आंसर मिलेगा, सही बात है, ठीक है। सो मतलब क्लोरीन का यहां पे चार्ज क्या है, जीरो। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, एक और शॉर्टकट है कि फॉर्मल चार्ज ज्यादातर माइनस वन रहता है, जीरो रहता है या फिर प्लस वन रहता है। इससे ज्यादा आपको फॉर्मल चार्ज अभी तो नहीं पढ़ना है, अभी तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर यही देखने के लिए मिलेगा, सही है, इसलिए मैं कंफ्यूज आ रहा था क्योंकि मेरा आंसर अलग आ रहा था, ठीक है। तो आपको फॉर्मल चार्ज सिर्फ इतने में ही देखने के लिए मिलेगा, सही बात है, ठीक है, चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे, कुछ अलग एग्जांपल सॉल्व करेंगे फॉर्मल चार्ज के। हो गया, चले आगे, चलो लेट्स मूव एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि आपके बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। दिस एग्जांपल इज CO3 2 माइनस, ठीक है। इसका कंपाउंड एक्चुअली कैसे दिखता है, इसका कंपाउंड ऐसे दिखता है, देखो आपका बीच में कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ऐसा ऐसा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा कितना एटम, कितना ये बनाता है, बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है, पर यहां पे देखो दोनों में एक एक बॉन्ड बना है, मतलब एक लोन पेयर खाली हो जाएगा, इस पे एक माइनस चार्ज, इस पे एक माइनस चार्ज लग जाता है, जिसकी वजह से कंप्लीट मॉलिक्यूल में माइनस टू चार्ज आता है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ कंपाउंड है। अब इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, कैसा दिखेगा वो दिखेगा बच्चों कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल, ये इलेक्ट्रॉन, फिर आपका ऑक्सीजन, सिमिलरली यहाँ पे अच्छा ये नहीं बनाना है ना, यहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दो, कुछ ऐसा होता है बच्चों, समझ रहे हो, मुझे पता है आप लोगों नहीं समझ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को समझाते हुए बनाता हूँ, ठीक है। सुनो, बीच में आपका कार्बन है, दिस इज द सेंटर कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई शक नहीं। तो कार्बन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, सिंपल सी बात। अब अपना आया ऑक्सीजन, भाई साहब यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर यहां वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए दे देगा कार्बन के साथ, ताकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाए। तो दो इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ऑलरेडी दे दिया। दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, चार इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे, अरे भाई अलग कलर नहीं, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे और दो इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसके दो लोन पेयर बच गए, सही बात है। अब इनकी बात करो, जरा इनकी बात करो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आता है, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा, पर इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, इसके पास बच्चों खुद के 6 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सही है, इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्डिंग के साथ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग के साथ है, बट इट ऑल्सो कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन ईच, समझ रहे हो, दैट्स व्हाई बच्चों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो एक नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से आपका यहां पे ऑल इन ऑल 2 नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। दो नेगेटिव चार्ज कहां से है, मैंने अभी आपको समझाया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक नेगेटिव चार्ज यहां से, एक नेगेटिव चार्ज यहां से दो इलेक्ट्रॉन, सही बात है। अब अपने को क्या करना है, अपने को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है सबका, तो इसको नंबर दे देते हैं, चलो मान लो इसको मैंने दिया नंबर 1, इसको मैंने दिया नंबर 2 और इसको मैंने दिया नंबर 3,
लेट्स कैलकुलेट कि क्या सच में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हम लोग फॉर्मल चार्ज से कैलकुलेट करेंगे। ये तो मैंने ऐसे आपको बता दिया कि भैया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट वाई इट कंटेन नेगेटिव चार्ज। पर क्या सच में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या सच में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमको कौन बताता है? ये हमको फॉर्मल चार्ज बताता है, समझ रहे हो? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमको फॉर्मल चार्ज सिखाता है। तो चलो आ जाओ देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन को। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन में क्या निकालना है अपने को? फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले इस कंपाउंड को सोचो ही मत, पहले फ्री ऑक्सीजन को सोचो, एक अकेला ऑक्सीजन सोचो। कितने एक्सटर्नल, मतलब कितने उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला आएगा आपका 6 माइनस। अब इस मॉलिक्यूल की सोचो, अब इस मॉलिक्यूल को जरा देखोगे तो यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अगला मतलब पॉइंट क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग द बॉन्डिंग, कौन से इलेक्ट्रॉन है? तो कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, ये भी बॉन्डिंग नहीं कर रहे, ये भी बॉन्डिंग नहीं कर रहे, और ये भी बॉन्डिंग नहीं कर रहे, खाली ये अकेला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा है ना इसके साथ। तो ये दो दो चार दो छह, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा 6 माइनस 1/2। यहां पे क्या आएगा, ब्रैकेट में आता है बच्चों नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग जहां पर बॉन्ड बना रहा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो यहां पे आप डाल दो 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2 1 जा, बचा कितना 1, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, समझ रहे हो? तो मतलब फर्स्ट नंबर वाले पे कितना चार्ज लगेगा, फर्स्ट नंबर वाले पे कितना चार्ज लगेगा बच्चों? -1। ये हमको कौन बता रहा है, ये हमको फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बता रहा है। सही है, समझ में आई बात? समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? आ जाओ दूसरे को काउंट करते, दूसरा कौन सा, ये देखो ये आपका सेकंड वाला है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका सेकंड वाला है। देखो ये क्या बता रहा है हमको, ये हमको सिखा रहा है कि भैया हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? देखो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। फ्री एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, खाली एटम की बात करते, तो कितना रहेगा 6, खाली एटम के ऑक्सीजन में 6 रहता है। फिर माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे थे, देखो ये भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा, ये भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा, ये भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो 6 वापस नॉन बॉन्डिंग है। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डिंग कर रहे, 2 बॉन्डिंग कर रहे, तो मतलब यहाँ पे 2, देखो सेम कैलकुलेशन है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों? -1, समझ रहे हो? तो मतलब इसके ऊपर भी क्या चार्ज आएगा? -1 चार्ज आएगा। सही बात है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, इस भाई साहब की बात करूं, क्या इनके ऊपर भी कोई चार्ज है? आइए देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। फ्री एटम क्या है आपका? ऑक्सीजन का फ्री एटम कितना होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सब में 6 ही आएगा ऑक्सीजन की बात करें तो। फिर नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहां पर देखो तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग है और ये दोनों नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना इसके साथ। नॉन बॉन्डिंग कितने बच्चों? 4 -4 माइनस हाफ, क्या आएगा हाफ में? हाफ में यहां पे आएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने? 1 2 3 4, ये वापस क्या आ गए बच्चों? 4। सही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, 4 इधर 2 इधर 2 इधर 4। सॉल्व करो इसको, 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर क्या आएगा? 6 -4 -2, 6 - 4 2 आएगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज है। बात समझ भाई? तो ऐसे कैलकुलेट करना है बच्चों फॉर्मल चार्ज। इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हो गया, आगे चले। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट है बच्चों आपका O3। O3 को हम लोग कहते हैं ओजोन, ओजोन, सही है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करते थे नॉर्मली, और इसके ऊपर 2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बोलता है मैं भी बॉन्ड करूंगा, मुझे भी बॉन्ड बनाओ, मुझे भी बॉन्ड बनाओ। तो होता क्या बताएं,
ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, समझ रहे हो। तो इसके ये दो इलेक्ट्रॉन गायब होंगे और इसके दो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। नाउ इन दिस कंडीशन हमको ये पता करना है कि किस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट वी हैव टू डिटरमाइन इन द ओजोन स्ट्रक्चर। ये है, अब इसको नंबर दे देते हैं, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू एंड दिस इज नंबर। अब नंबर थ्री से शुरू करते, चलो आ जाओ इस बार नंबर थ्री से बात करना, थर्ड की बात करो, थर्ड की जो अपना तीसरा भाई है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम, फ्री एटम अगर ऑक्सीजन का होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते, छह होते, तो आप छह लिख दो, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जितने भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसके नंबर कितने हैं बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः आ जाएगा यहाँ पे, सही बात है। माइनस हाफ ऑफ, किसका हाफ लेना है बच्चों, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, दो है, यहाँ पे दो लिख दो, टू वन जा, टू वन जा, कितना आएगा, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, माइनस वन, तो इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर देखो आंसर, देखो ना, सिक्स माइनस सिक्स क्या हो गया, जीरो, और यहाँ पे क्या बचा था, माइनस वन बचा था, तो माइनस वन, मतलब आपका ये वाला जो एटम है इसके ऊपर माइनस वन चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस वन चार्ज, ये माइनस चार्ज है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग, सेकंड नंबर वाले भाई की, दूसरे नंबर वाले ऑक्सीजन की बात करेंगे। सेम चीज करना है, कुछ नहीं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री, फ्री में कितने, छः, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड कितने, यहाँ पे देखो दो ही है सिर्फ, देख रहा है ऊपर दो ही है, तो दो आ गए आपके नॉन बॉन्डेड, दो लिख दो, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डेड है, देखो तीन बॉन्ड बना रहा है तो छः हो जाएंगे ना, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः आपके क्या हो गए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व कर लो, थ्री वन जा, थ्री थ्री जा, सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस टू माइनस थ्री, तो छः में से दो गया चार, चार में से तीन गए एक, यहाँ पे आ गया एक, पर ये एक किस में बच्चों, प्लस में, एक किस में, प्लस में, तो मतलब इन भाई साहब के ऊपर प्लस वन चार्ज लगेगा, ठीक है। और आप अगर इसका भी कैलकुलेट करोगे तो इसके ऊपर जीरो चार्ज आता है, एक्चुअल में इसके ऊपर जीरो चार्ज रहेगा, सही है। तो इसके ऊपर आएगा प्लस वन चार्ज और इसके ऊपर आएगा आपका माइनस वन, जिसके वजह से यहां पर आपको कोई चार्ज देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहां पे जीरो चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते। इसके पीछे वाले एग्जांपल में माइनस माइनस था, प्लस था ही नहीं, माइनस माइनस और एक जीरो था, तो इसलिए वहां पे माइनस टू हम लोग ऊपर लगा देते, पर यहाँ पे क्या, एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपके ओजोन का एग्जांपल हो गया, तो कॉपी कर ले अपनी बुक में, कर लिए, आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव। अगला CO2 हमारा थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों, एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लेने वाले। इसके अलग अलग फॉर्म दिए हुए आपकी बुक में, कभी आपका ऐसा दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कभी दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, सही है, कभी ऐसा दिया हुआ है O ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। तो ये देखो, ये दोनों तो सेम ही है ऑलमोस्ट, खाली बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, तो इसमें से एक सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, ये अलग अलग है, ठीक है, ये वाला अलग अलग है, कैसे होगा आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, इस भाई साहब की, बना लो इसको C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सही है। कार्बन के पास कितने होते हैं, अच्छा बॉन्ड हमको नहीं बनाना, हमको बनाना है डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमको बनाना है यहाँ पे डॉट वॉट वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो C के पास दो इलेक्ट्रॉन, थोड़े मोटे बनाता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, थोड़े से बोल्ड बना दिया। अब यहाँ पे आया भैया आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो इसके पास बचे ही कितने थे, दो छह इलेक्ट्रॉन थे ना, तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो इसके पास कितने बचे बच्चों, अब चार इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनता है। तीनों का फाइंड कर सकते हो आप लोग, ये है आपका वन, ये है आपका टू, ये है आपका थ्री। आज आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज किसका कैलकुलेट करें, सबसे पहले फर्स्ट वाले का, इसका कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन का, या फिर ऑक्सीजन तो बहुत कर लिया है, ऑक्सीजन कर लोगे ना, इतने टाइम्स ऑक्सीजन नहीं कर रहे, आप कार्बन का काउंट करते हैं। लेट सपोज भाई हमारा गुस्सा ना हो जाए, कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा,
क्या होता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम, फ्री एटम की बात करें हम लोग, इतना हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना एग्जांपल की आपको सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इतना भी सॉल्व करोगे ना तो अपने दिमाग में आपके बैठेगा, और दो तीन एग्जांपल नेट पर ढूंढो और चीज़ें सॉल्व करो, डाइजेस्ट उठाओ, वर्कबुक तो नहीं होता तुम लोगों, कुछ भी ढूंढो कहीं कहीं, चैट जीपीटी से पूछो कहीं ना कहीं तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, सही है। सो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, कार्बन की बात हो रही, कार्बन के फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार, तो चार लिख दो। फिर माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जीरो लिख दो, माइनस वन बाय टू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने, एक दो तीन चार, चार इधर इधर आ गया आठ, सही है, टू इधर माइनस इधर आ गया चार, तो क्या आ जाएगा, फोर माइनस जीरो माइनस फोर कैंसल हो गया, बचा जीरो, आपके कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, जीरो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन पे भी जीरो आएगा और इसके ऊपर भी जीरो आएगा इन दिस कंडीशन। बट वही अगर मैं कंसिडर करूँ इस भाई साहब को, यहाँ पे आ गए हमारे सी, एक्चुअल में बनता है कैसे पता है, सुनो ध्यान से कैसे बनता है, सुनो, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ये है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, नॉर्मल वाला, नॉर्मल नॉर्मल वाला होता क्या है पता है, सुनो, होता ये है कि इसके ऊपर भी दो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, इसके ऊपर भी दो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, तो इसमें से ना एक ऑक्सीजन को चुल मचती है, एक ऑक्सीजन बोलता है डबल बॉन्ड क्यों बनाना है, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूं तो डबल बॉन्ड क्यों बनाऊं, मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है भाई ट्रिपल बॉन्ड बना, ये जो दो लोन पेयर है ना ये यहां पे शिफ्ट होंगे, ये जो दो लोन पेयर है ये यहां पे शिफ्ट होंगे और यहां पे तीन बॉन्ड बनेगा। अब अगर यहां पे तीन बॉन्ड बना, अगर यहां पे तीन बॉन्ड बना तो क्या कार्बन पांच बॉन्ड बना सकता है, नहीं, क्योंकि यहां पे तीन बॉन्ड यहां पे दो बॉन्ड, पांच बॉन्ड कार्बन बनाता है, नहीं, पेंटावेलेंट नहीं होता, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, तो अगर यहां पे तीन बॉन्ड बना तो ये कार्बन को मजबूरी में ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपके ऑक्सीजन के पास, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपके ऑक्सीजन के पास, तो आपका कंपाउंड कैसा दिखता है, आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है, देखो कार्बन यहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया, अब यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास देखो पहले से ये दो लोन पेयर थे, ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, अब ये वाला बॉन्ड टूट के वापस किस पे आ गया, कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी वापस किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास आ गए, तो अब ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन है और फिर भी वो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, सही है। यहां पे देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्या किया था, अपने दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगा दिए थे, तो अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड बन गए। तो समझ में आया ये कैसे बना, ये कंपाउंड कैसे बना समझ में आया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले कंपाउंड को मिटाता हूँ और इसका हम लोग फाइंड करते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, बड़ी ही दुविधा है। अच्छा ऊपर लेते थोड़ा, ओके चलो बात करें बच्चों, ओके चलो मान लिया बच्चों मैंने इसको वन, इसको टू और इसको थ्री, सही है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले की काउंट करेंगे, फर्स्ट वाला इसका काउंट करवा जो, फर्स्ट है आपका फॉर्मल चार्ज किसका, इस ऑक्सीजन का, फर्स्ट वाले का, ठीक है, फॉर्मल चार्ज फर्स्ट वाले ऑक्सीजन की हम लोग काउंट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन बॉन्डेड, नहीं नॉन बॉन्डेड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम, फ्री एटम ऑक्सीजन में कितने होते, छह, ये तो आप आग बंद करके छह लिख दो। फिर यहां पे आपको लिखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड कितने, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही, आप यहां पे दो इलेक्ट्रॉन लिखोगे, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखो एक दो तीन चार पांच छह, तो यहां पे कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा, सॉल्व करो, टू वन जा टू थ्री जा सिक्स, सही है, क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस टू माइनस थ्री, छह में से दो गया चार, चार में से तीन गया एक, तो यहां पे क्या बचा बच्चों, प्लस वन, यहाँ पे क्या बचा, प्लस वन, तो इसके ऊपर आया बच्चों चार्ज प्लस वन, और ये ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आपको ये भी समझ में आएगा, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज डोनेटिंग द दिस एटम इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, ये एटम क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है अपनी तरफ से, तो जो डोनेशन करता है जो दान देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो बड़ा आदमी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, सही बात है। तो ये इस फॉर्मल चार्ज से भी प्रूव होता है, फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले से भी, कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब बात करते हैं हमारे कार्बन भाई साहब की,
लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकंड नंबर दैट इज कार्बन. इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? चार, माइनस खाली एक भी नहीं है. और बॉन्डेड कितने हैं बच्चों? आठ. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉन्डेड कितने बच्चों आपके? आठ. इसका आएगा जीरो. कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा जीरो, मतलब इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इस कार्बन पे जीरो चार्ज है. गोला बना के फिर गोला बना दिया, देख रहे हो मेरे को? ठीक है, तो इसके ऊपर जीरो चार्ज है. अब इन भाई साहब को देखते हैं जरा, थर्ड यानी आपके इन ऑक्सीजन को. इसका फॉर्मल चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा? सिक्स माइनस सिक्स आपका नॉर्मल होता है फ्री का. नॉन बॉन्डेड कितने हैं? नॉन बॉन्डेड भी सिक्स है, और बॉन्डेड कितने हैं? दो. तो हाफ दो, सही है. काटा काटा कितना आएगा? वन माइनस वन. तो आंसर कितना आ गया? माइनस वन. मतलब इन भाई साहब के ऊपर क्या चार्ज है बच्चों? माइनस वन. अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वापस लगाओ, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है. सही बात है. और इसने क्या किया? मैंने अभी आपको सिखाया था ना कि यहां से क्या होता था, ये देखो ये वाला बॉन्ड इस पे तोड़ता था, तो ये वाला क्या हो जाता था? ये वाला बॉन्ड टूट के यहां चला जाता था. तो मतलब इसने इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था ना, दैट्स व्हाई इट हैव अ नेगेटिव चार्ज. समझ में आई बात? तो फॉर्मल चार्ज से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज लगा हुआ है. और मोस्टली जितने भी आप कंपाउंड पढ़ोगे, मोस्टली आपके जितने भी फॉर्मल चार्ज है वो या तो प्लस वन होंगे, या तो माइनस वन होंगे, या तो जीरो होंगे. समझ में आई बात? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें. सही है बच्चों. देखो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 41-42 मिनट का हो गया. मेरे को एक्चुअल में आपको पढ़ाना था क्या लिमिटेशन, मैं लिख के भी लाया था लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कई सारी चीज़ें, पर लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आई एम सो सॉरी. ठीक है, जिसके वजह से इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वाले लेक्चर में. ठीक है, मैंने टाइटल में लिख दिया होगा, पर बुरा मत मानना. ठीक है, मैं अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को ये सिखा दूंगा. सही है. तो अगर आप फॉर्मल चार्ज सीख गए हो, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करना, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें. ठीक है, मैंने पूरा लेक्चर उसी के ऊपर डेडिकेट कर दिया. तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ. मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक नई वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग.